अब ले लेगा भारत अपना पीओके, राजनाथ सिंह ने बताया संसद में पास हो गया प्रस्ताव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं विदेशी अड्डा। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय संसद में पीओके को लेने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत जल्द ही अपना पीओके ले लेगा। आपको बता दें कि पीओके कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान द्वारा सन 1947 में कब्जा कर लिया गया था। दरअसल सन 1947 में जब भारत ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था, तब ब्रिटिशर ने कहा कि सभी इलाके अपने अपने मन से भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद लगाकर अधिकतर इलाकों को भारत में मिलाया, पर कश्मीर के राजा हरि सिंह जो कि एक हिंदू थे वो भारत में मिलना चाहते थे, पर वहाँ का मंत्री अब्दुल्ला पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तब हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, पर सन 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बोला कि यदि कश्मीर भारत में मिलेगा तभी जाके भारत कश्मीर को सैन्य मदद करेगा। राजा हरि सिंह ने भारत में मिलने के लिए तैयार हो गए। फिर जाके भारत ने अपनी सेनाएं कश्मीर में भेजी और कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत की आर्मी पहुंचने से पहले पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया था उसी हिस्से को हम पीओके कहते हैं। आप पूछेंगे कि भारत ने आक्रमण करके उसी वक्त कश्मीर को अपने कब्जे में क्यों नहीं कर लिया, तो दरअसल नेहरू जी ने यूएनओ में मुद्दा उठा दिया था जिससे युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी और अभी तक यह पीओके पाकिस्तान के पास ही है। इसी को लेकर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि भारत जल्द ही अपना पीओके ले लेगा, पर इससे कैसे ले लेगा इसका वर्णन राजनाथ सिंह ने नहीं किया। कुछ एक्सपर्ट की माने तो भारत को पीओके लेने के दो ही रास्ते हैं। पहला कि भारत वह कश्मीर जो भारत के कब्जे में है उस पर इतना डेवलपमेंट कर दे कि पीओके के निवासी खुद भारत में मिलने के लिए तैयार हो जाएं और भारत से सैन्य मदद मांगें, तब भारत उस पर आक्रमण करके उनकी मदद कर दे, या फिर भारत सीधे ही पाकिस्तान पर हमला करके कब्जा कर ले। पर इसमें सबसे बड़ी रुकावट चीन है, क्योंकि चीन का प्रोजेक्ट CPEC सड़क के तहत चीन पाकिस्तान की मदद करने जरूर आएगा। चीन को सबक सिखाने के लिए और उसका भी तोड़ है कि चीन जब वियतनाम पर हमला करे तो भारत पीओके पर हमला करे, तब चीन का ध्यान उधर रहेगा क्योंकि वियतनाम को बचाने अमेरिका जरूर आएगा और चीन और अमेरिका में लड़ाई होगी, तब भारत पाकिस्तान पर कब्जा करके अपना पीओके ले सकता है। आपको क्या लगता है कौन सा तरीका सही रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो भी थोड़ी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।